क्या बात है प्रियंका जी, ओपी नैयर साहब का संगीतबद्ध किया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत गाना और आपने बहुत ही अच्छा निभाया। चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं कि आपका गाना उनको कैसा लगा। दीदी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रियंका, आज का आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के बहुत अच्छा लगा, जो आगे से बहुत अच्छा हो गया है। गायकी भी बहुत अच्छी थी आपकी, और आप अपने भाग्य पर नहीं छोड़े कि गाना खराब है या कुछ, बिकॉज़ बेटा भाग्य जिसके ऊपर डिपेंड करो तो भाग्य भी उसको पसंद नहीं करता है। इसलिए मेहनत करते जाओ और भाग्य पे बिल्कुल नहीं भरोसा करो, आगे बढ़ते जाओगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दीदी जी। पूर्णिमा जी, क्या क्या कर क्या रही हो तुम? मैं तुम्हारा आज एक अलग ही रूप देख रही हूँ। अच्छा गाया तुमने। एक्चुअली तुम्हें पता है, तुम जब गा रही थी तो मैं फिर एक फ्लैशबैक में चली गई थी। मैं बचपन में ये गाना बहुत गाती थी। इनफैक्ट ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ था तो मेरे डैडी इस गाने की रिकॉर्डिंग में मौजूद थे, क्योंकि मैं तुम सबको बताना चाहूँगी, इसमें जो सैक्सोफोन का पीस आता है वो मनोहरी दा ने बजाया है, जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही मैं समझूंगी नॉट ओनली इंडस्ट्री, आई थिंक इस दुनिया में उनके जैसा सैक्सोफोनिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। मैम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैम प्लीज़, आप आके मेरे साथ ये गाना प्लीज़। और जान लेते हैं कि पूर्णिमा जी की परफॉर्मेंस हमारी दीदी जी को कैसी लगी। जी, अच्छा हुआ आपने बीच में वाइल्ड कार्ड में एक नए गायिका ले आए हैं। बहुत अच्छा गाया इन्होंने, और इनके लिए मैं क्या बोलूं। बहुत खूब। थैंक यू दीदी जी। प्रियंका, गुड जॉब, वेरी वेल डन बेटा, वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच कि तुम मुझे फिर से मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में तुमने फिर से मुझे जीने का मौका दिया। क्योंकि मेरे डैडी जब तक मेरे साथ थे, जब तक वो ज़िंदा थे, वो यादें, वो मेरी ज़िंदगी के लम्हे मेरे सबसे खूबसूरत लम्हे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू पूर्णिमा जी, आपने बहुत ही सुंदर गाया। थैंक यू वेरी मच। प्रियंका, आपने बहुत ही अच्छा गाया, जजी से आपको बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिले। अब बारी आने वाली है फैसले की, आप बने रहिए मेरे साथ इस मंच पर। दोस्तों, हमारे दूसरे सब ग्रुप के तीनों सिंगर्स आज परफॉर्म कर चुके हैं, तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ बरेली से मुबीन नियाजी को और राहुल झा को कि वो यहाँ आएँ और देखते हैं कि आज उनके भाग्य का क्या फैसला है। आइए, चलिए चलते हैं हमारे माननीय जजेस के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि आज इनके किस्मत का क्या फैसला है। चलते हैं वाराणसी की तरफ और देखते हैं कि आज प्रियंका भट्टाचार्य के भाग्य का क्या फैसला है। मैं पूर्णिमा जी से पूछना चाहूँगा। क्या बात है प्रियंका, पूर्णिमा जी ने आपको दिखा दिया है ग्रीन सिग्नल, जिसका मतलब है आप पहुंच चुकी हैं टॉप 14 में। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। आप जाकर सुरक्षित बैठिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब चलते हैं हम मोबीन की तरफ और देखते हैं कि आज मोबीन के भाग्य में जजेस ने क्या लिखा है। दीदी जी, आप ही देखें। रियली सॉरी मोबीन,
जजेस ने आपको दिखा दिया है येलो सिग्नल, जिसका मतलब है आप फंस चुके हैं डेंजर जोन में। ये देखते हैं आगे क्या होता है। आप प्लीज़ डेंजर जोन में जाके बैठिए। थैंक यू राहुल झा, बहुत बहुत बधाई। सेफ हैं और आप पहुंच चुके हैं टॉप 14 में। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वहां जाकर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेल डन। दोस्तों, हमारे लखनऊ के ओसामा नूर और बरेली की मोबीन नियाजी फंस चुके हैं डेंजर जोन में। कल हमारे तीसरे सब ग्रुप के किसी एक सिंगर को जारी होगा डेंजर जोन का फरमान और इन्हीं तीनों सिंगर्स को कल देनी होगी फिर एक और परीक्षा। कैसी होगी आगे की परीक्षा और क्या होगा उसका परिणाम, ये जानेंगे ठीक रात 8 बजे सिर्फ सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।